लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आ गए आप लोग, लाओ पैसे। अरे भाई, एक लीटर दूध देना। ये लो आपका दूध। अरे अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आओ आओ। ऐ शाबाश बेटा, शाबाश। तो ये तुम्हारा काम आया? क्यों, कैसी है रोटी? बहुत मीठी है। मीठी तो लगेगी, चोरी की रोटी हमेशा मीठी ही लगती है। चोरी की रोटी क्या बकते हो? अरे इतनी भूख लगी थी तो मांग लिया होता, चुराई क्यों? मैंने तुम्हारी रोटी चुराई? तो और किसने चुराई? चोरी ऊपर से सीना चोरी। चलो मेरी रोटी दो। अरे मेरी रोटी छीन ली। मेरी रोटी? अरे ये मेरी रोटी है। हिंदुस्तान में रोटी वो खाएगा जो कमाएगा, वरना कोई किसी की रोटी ना छीन सकता है ना चुरा सकता है। रोटी चुराएगी? तुमने मुझे धक्का दिया। मम्मी, आप अपने सोने की नींद देंगे? ओम स्वामी नारायण नमः, ओम सूर्य नारायण नमः। ओम पतिदेवाय नमः, ओम स्वामी नारायण नमः। ठीक है। अरे अच्छा होता तो बांध लेकर आती और मेरे घाव पर लगाती। चली आई पानी लेकर पूजा करने के लिए। कल से मैं पूजा शुरू करूंगा, अगले 7 जन्मों तक मैं ही तेरा पति बना रहूंगा। जी ऐसी अशुभ बात मत बोलिए जी। अरे तुझे पूजा की पड़ी है और मैं यहाँ हाथी की लातों से मर रहा हूँ। गणेशा, अब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ।
हो? तुम तो मेरे दोस्त हो, देखो तुम बिरजू के दोस्त हो और बिरजू मेरा दोस्त है। दोस्त का दोस्त तो दोस्ती हुआ ना, आओ हमसे दोस्ती करो। अभी ठीक हो जाएगा, दवा लेकर आता हूं। यही जिंदगी है दोस्त, इंसानों के साथ अगर रहना है तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, यहां बड़े से बड़े को एक छोटी सी चीज रुला देती है। और तुम लोग रास्ते में खिला पड़ा है और तुम लोगों को नजर नहीं आया? जानवर होकर अगर इंसानों की तरह लापरवाही करोगे तो ठीक नहीं होगा। ले लो जी चूड़िया, ले चूड़िया चूड़िया चूड़िया, तरह तरह की चूड़िया, हरी पीली चूड़िया सफेद काली चूड़िया, मेरे तन पे तरह तरह की चूड़िया है, जरा पहनो बलम मजबूतियां है, मेरे तन पे वो तन पे। चूड़ी वाले इधर आओ। आया जी आया जी आया आया जी आया जी। हाँ जी बोलिए, कौन सी चूड़ी लेंगे? जूही चावला चूड़ी लेंगे या माधुरी चूड़ी लेंगे या श्रीदेवी चूड़ी लेंगे या रेखा चूड़ी लेंगे? ये तमाम हीरो ने मेरे पास की चूड़िया पहनती है, बोलिए कौन सी चूड़ी? अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास पतिव्रता की चूड़ियां है? हाँ पतिव्रता, ये किस ब्रांड का नाम है? पतिव्रता यानी ये चूड़ियां उन औरतों के लिए है जो अपने पति को परमेश्वर समझती है। वो तो फेल हो गई ना, वो तो कंपनी बंद पड़ गई है। हाय राम। हाँ। फेल हो गई? हाँ, कोई खरीदने वाली ही नहीं है तो। अच्छा अच्छा, तो जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ। पतिव्रता हो मेरे पास पड़ा हुआ, ओल्ड स्टॉक। अच्छा ये वाला, ये वाला, ये पहनने वाली को दुनिया में दूसरा मर्द नजर ही नहीं आता सिवा अपने पति के। अच्छा तो ये वाली मुझे दे दो। ये दे दो भाई। आइए। तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक पतिव्रता का हाथ पकड़ लिया। सती सावित्री, अगर मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा तो पहनाऊंगा कैसे? हे भगवान, ये पापी को कभी क्षमा मत करना, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। हे माँ, ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। निकल निकल जाए यहाँ से, इसको कभी क्षमा मत करना, इसने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, सत्यानाश। क्या हुआ? आज तो तुम चूड़ियों के व्यापारी बनकर घर से निकले थे। आज मैं पिट कर आ रहा हूँ। इसमें नई बात क्या है? नई बात है, आज मैं किसी औरत के हाथ से पिट कर आ रहा हूँ। औरत के हाथ से? क्यों? मैंने उस औरत का हाथ पकड़ लिया था। हाथ पकड़ लिया था? कहाँ? उसके घर में। उसके घर में? घर से निकले थे चूड़ियां बेचने और बाहर जाकर औरतों का हाथ पकड़ते हो? अरे औरतों के हाथ नहीं पकड़ूंगा तो चूड़ियां कैसे पहनाऊंगा? अब मैं कोई ऐसा धंधा नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो निकल जाओ घर से। बुचकी बुचकी, जब धंधा नहीं करता तो तू बुचकी बुचकी करती है, जब धंधा करने निकलता हूं तो वो लोग बुचकी बुचकी करते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, पहले पैसा कमाओ उसके बाद अपनी सुहागरात होगी। सुहागरात? सुहाग रात को हर लड़की इंतजार करती है सुहाग का। ये अमावस की रात की पैदाइश है। ये भगवान, तूने क्यों पैदा किया मुझे? काल कोठरी में डाल दिया मुझे, कैसा फंसा दिया तूने, लटका दिया है क्यों तूने? अड़ा, अरे वो टेढ़ा। सेठ जी, ओ सेठ जी। क्या बात है, पांव में प्लास्टिक कवर? अरे भाई, किसी पतिव्रता स्त्री का पति होना कोई मामूली बात नहीं है। अब तुम लोग बताओ यहाँ किस लिए आए हो? अपने गांव के साधु जो काशी गए थे वहीं स्वर्गवासी हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन मनाना है। ठीक है तो यही मना लेते, मैं मंदिर तक नहीं जा सकता। ओम पति देवाय नमः,
ओम स्वामी नारायण महा ओम पति देवाय नमः ओम स्वामी नारायण महा ओम पति देवाय नमः। देखो जी आज आपका सिर्फ 2 मिनट मौन रहा तो मेरी 5 बार पूजा हो गई। अगर आपका इसी तरह मौन रहा तो मेरी पूजा का व्रत जल्दी खत्म होगा जी। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि इस गांव का कोई ना कोई आदमी हर रोज मरना चाहिए? हाँ अरे भाई पंडित कौन सा व्रत बता दिया तूने इसे? अगर शास्त्र विधि से व्रत करना मुश्किल है तो उसमें कुछ कंसेशन भी है, बोलो तो सुनाऊं। हाँ तो जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ। ठंडे पानी के बदले अगर गर्म पानी हो तो 1600 बार नहीं सिर्फ 160 बार करने से काम चल जाएगा। सुना भगवान, अब जाओ ठंडा पानी ले जाओ और गर्म पानी ले आओ। जा, जा, जा। अच्छा भाई अब तुम लोग भी जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। आगे चलो रखो रखो। ओम परिदेवाय नमः। हे बुचकी बुचकी साड़ियाँ लो साड़ियाँ, जापानी साड़ियाँ, चीनी साड़ियाँ, इंटरनेशनल चोली की साड़ियाँ। धोने से रंग नहीं जाएगा, पहनने से फोल्ड नहीं आएगा। सजी साड़ियाँ दिखाओ। ए, मैं चोली साड़ी पहनने वाले लगता हूँ क्या? जा जा अंदर जा अंदर जा। You got it. Yeah. अबे क्या बात है, रो क्यों रहा है? उसकी मुझकी उसकी मुझकी क्या हुआ? सर जी आपने मुझे साड़ियां दिखाने के लिए अंदर भेजा। हाँ? मैं साड़ियां दिखाने के लिए अंदर चला गया, जैसे दरवाजा खोला मुझकी मुझकी हो गया। उसकी मुझकी हो गया? अबे जल्दी से बोल वरना गोली मार दूंगा। मुझसे घोर पाप हो गया सेठ जी, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं? इसका प्रायश्चित हो सकता है। हा? तू अपनी जबान को हमेशा के लिए बंद रखना। तुमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा और अगर कुछ देख भी लिया है तो किसी को इसकी खबर कानों कान नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो चलो रुपए और हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाओ और फिर दोबारा कभी यहाँ मत आना। जाओ इधर। अच्छा उठाओ उसे उठाओ। अच्छा धन्यवाद। You got it. Yeah. Baby. किधर जा रहे हो? सर जी मैं मेरी बात सुनिए, मैं अंदर जाके बोलूंगा सरानी को। हाँ? आप घबराइए मत। हाँ? मैंने जानबूझकर नहीं देखा। हाँ? मैंने जो कुछ देखा है मैं किसी को बताऊंगा नहीं। सर जी ने इसके लिए मुझे पैसे भी दिए हैं, जरा उनको अच्छा लगेगा ना। आपकी बेटी की शादी कब होगी ये तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए आपकी बीवी के पेट पर कोई काला तिल है? तिल है, पक्का है, बाकायदा है, 101% है। कमाल है, आपकी बीवी के पेट पर तिल है या नहीं है ये आप नहीं बता रहे हैं और ये बता रहा है कि तिल है। अरे भाई ये तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे नहीं भाई तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे मैं भी तो कह रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। ये तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। तुम्हारी बीवी के बारे में। तुम्हें सच सच बता दो कि किसकी बीवी के बारे में बोल रहे हो। मैं बताऊंगा, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, मैं साड़ियां बेचता था। साड़ियां बेचने के लिए मैं किसी के घर पर चला गया। ऐसा ही एक आदमी था, मैंने उससे कहा साड़ियां खरीद ले। उसने कहा मेरी बीवी के पास जाइए। मैं उनकी बीवी के पास चला गया, जैसे दरवाजा खोला उनकी बीवी साड़ी पहन रही थी। मैंने सब कुछ देख लिया,
आराम से, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को बताना मत। क्या मैंने बता दिया? आज इनका कुत्ता बंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक पेन लो। देखो ज्योतिष बोलते हैं कि आप अपने हाथों से मुहूर्त नहीं करेंगे, मेरी बहनें नहीं करेंगे, मेरे बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे भाई एक पेन ले लो, मुझे मालूम है मेरे पीछे आप बंदर दौड़ोगे, कुत्ता दौड़ोगे, हाथी दौड़ोगे। हाथी नहीं, तुम खुद मेरी धुलाई करोगे, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। एक पेन ले ले बाबा, मेरे पाँव पड़ता हूँ मेरे भाई, एक पेन लेके मेरा फोन नहीं कर दे, मेरी जिंदगी अटकी हुई है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, आप महान। क्या हुआ? जरा बांधने में मिस्टेक हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसे पहले मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। ये प्रभु भगवान 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 की माया, भगवान की माया।